हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो एक्सरसाइज मिसलेनियस है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको सारे जो क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं वो रिपीट होंगे, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शो दैट कि मैट्रिक्स बी डैश ए बी मतलब वी ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी, कहता है ये एक सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए केस नंबर 1 लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक क्या होता है कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसका जो ट्रांसपोज है वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसे हम बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया ए डैश इज इक्वल टू ए। तो अब हम प्रूव करेंगे कि जो बी डैश ए इंटू बी है ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज, क्या लेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा। हिंट देता हूं आपको, जैसे ए बी कोई दो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसे लिखेंगे बी डैश इंटू ए डैश, तो क्या होगा उनका ट्रांसपोज तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये लास्ट वन है ये आ जाएगा फर्स्ट में बी डैश, सेकेंड में ए डैश और थर्ड में क्या आएगा बी डैश डैश। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे देखिए बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, अगेन ट्रांसपोज करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है, ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब यहां पे हम रिजल्ट यूज करेंगे कि जो ए डैश है उसकी वैल्यू कितनी है जी, ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी डैश इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान दें जो बी डैश ए बी है क्या वो बी डैश ए बी आ गया, सेम आया, देखिए ध्यान दें बी डैश ए बी उसका ट्रांसपोज किया, अगेन हमारे पास बी डैश ए बी आया, तो इसका क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि जो बी डैश ए बी है इज ए सिमेट्रिक, ठीक है, रिजल्ट आएगा पहला। केस नंबर 2 ले लेते हैं जी। अब केस नंबर 2 क्या है, अब हमने यहां पे ए जो है वो सिमेट्रिक लेट किया था, अब हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है इज क्यू सिमेट्रिक। अब हमने क्या मान लिया कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या मैं ए डैश को इज इक्वल टू माइनस ए ले सकता हूं जी, ए डैश को क्या है मैं माइनस ए ले सकता हूं, क्योंकि तो स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे वो नेगेटिव आ जाएगी। अब हम प्रूव करेंगे कि जो बी डैश ए बी है क्या ये बी स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी बी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो कह रहा है कि बी डैश ए बी बी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप इसका ट्रांसपोज करें, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ये रिवर्स में चला जाएगा, ये देखिए बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश, ठीक है, यहां तक ओके है। आप देखिए यहां पे बी डैश और ए डैश की वैल्यू कितनी आपके पास,
माइनस ए डायरेक्ट में लिख लेते हैं। और वी डैश का डैश एक ट्रांसपोज है मैट्रिक्स, फिर उसका आपने ट्रांसपोज किया तो वो कितना आ जाएगा जी, बी। क्लियर है यहां तक? तो फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरे पास, ये माइनस को आप आगे ले आए तो ये आ गया जी बी डैश ए बी, और आप यहां पे ब्रैकेट लगा लें और यहां पे देखिए बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। अब चेक करें जी, हमने बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किया तो बाहर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी डैश ए बी जो है वो अब यहां पे क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बात समझ आ गई कि इफ वी टेक ए सिमेट्रिक देन वी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, इफ वी टेक ए स्क्यू सिमेट्रिक देन वी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो तीन मैट्रिक्स गिवन है वो किसके इक्वल है, जीरो। मतलब जीरो का क्या मीनिंग है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो का यहाँ पे क्या मीनिंग है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमारे पास तीन जो है यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो तीन मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले दो लेंगे जी। ओके, क्या लेंगे, हम पहले दो लेंगे, तो पहले दो को ले लेते हैं। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। अब मैं थर्ड को अभी छोड़ रहा हूँ, पहली दो को ले रहा हूँ। फर्स्ट के कॉलम कितने हैं जी, 1 2 3, और सेकेंड के रो कितने हैं जी, 1 2 3। इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो लेंगे हम और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो मेरे पास क्या है, 1 को 1 से करेंगे क्या आ गया जी, 1। 2 को 2 से करेंगे कितना आ गया जी, 4। और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया। ये पहला एलिमेंट बन गया। अब रो आपका फर्स्ट ही रहेगा लेकिन आप कॉलम आपका सेकंड हो जाएगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0। फिर रो आपका फर्स्ट ही है यहाँ पे, अब कॉलम आपका थर्ड हो जाएगा। तो 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे +2 और 1 को 2 से करेंगे +2 और ब्रैकेट, आप यह ब्रैकेट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, आप इसे क्लोज करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बना, जो रिजल्टिंग हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो रो मैट्रिक्स आई है, हालांकि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो हमने जब रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने कहा था कि पहले के क्या आएंगे, रो आएंगे और दूसरे के कॉलम आएंगे। तो पहले के रो कितने हैं, 1, तो 1 रो आया। सेकंड में कॉलम कितने थे, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 3। और साथ में ये जो दूसरी मैट्रिक्स है 0 2 x, आप इसे लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्योंकि इक्वल है 0 के, वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना। ओके, चलिए तो करें सॉल्व इसे। ये बन गया जी 1 4 5 और 6, ये बन गया 2, ये बन गया 4 और ये आपके पास आ गया जी कॉलम मैट्रिक्स, और ये बन गया 0 2 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चले जी मल्टीप्लाई करते हैं आप फिर से। तो मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कलर कर लेते हैं चेंज। तो क्या चेक करना, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो चेक कर लो। पहले फर्स्ट के, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और सेकंड के कॉलम रो कितने हैं जी, 1 2 3। तो दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल।
चलिए मल्टीप्लाई करें जी, 6 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया प्लस 4, 4 को 2 से किया, ये 2 नहीं है भाई, ये है 4 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बन गया अब 4 प्लस 4x, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब देखिए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 0, और यहाँ पे 0, तो ये इक्वेट कर सकते हैं हम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ जी, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा जी 4x इक्वल टू -4, और x इक्वल टू कितना आएगा जी -1, एंड दिस इज योर आंसर। ये हमने फाइंड करना था कि x की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आएगा, इस तरह के दो और क्वेश्चन हैं इसमें मिसलेनियस में, वो आपने बेटा खुद कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आपको ए गिवन है, एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 है, आपने शो करना है ए स्क्वायर -5a+7i=0, आपने प्रूव करना है। तो चलिए जी फटाफट पहले हम ए स्क्वेयर फाइंड कर सकते हैं, तो ए इंटू ए, ठीक है। तो करें, मेरे हिसाब से तो आपको साथ साथ कॉपी में मेरे साथ साथ करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो मैंने दोनों मैट्रिक्स जो है, ए जो है वो 2 बार लिख लिया, ठीक है। तो चलिए इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करना है तो वैसे भी ये दोनों का ऑर्डर सेम है, और पहले के कॉलम और दूसरे के रो जो है वो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन आपकी हो सकती है। तो चलिए जी फटाफट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। करें, फर्स्ट रो लेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को -1 से करेंगे -1, फिर 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 2 से क्या किया मैंने, 3 को 1 से किया 3, 1 को -1, 1 को 2 से किया +2, मतलब फर्स्ट रो लेना ना पहले। अब हम सेकंड रो ले रहे हैं, -1 को 3 से करेंगे -3, 2 को -1 से करेंगे -2, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 2 से करेंगे +4। चलिए, तो ये 9 में से 1 चला गया 8, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 3 माइनस 2 दैट इज -5, और ये बन गया जी 3। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू ले लेते हैं, ए स्क्वेयर -5a+7i इज इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट देखें जी। अब मैं ए स्क्वेयर -5a+7i को प्रूव करना चाहता हूँ 0 के इक्वल, मतलब 0 मैट्रिक्स, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जी। तो अभी आपने ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज 8 5 -5 3, ओके। नेक्स्ट देखिए, माइनस है, माइनस लिखेंगे, अगर 5 है 5 है ए है, तो ए मैट्रिक्स लिख लें आप 3 1 -1 2, ओके। आगे है +7i, आई क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स का होगा, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 2, तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये वाले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट एज इट लिख लेते हैं, 8 5 -5 3, आगे माइनस, अब ये क्या है 5, ये एक स्केलर है और मैट्रिक्स के बाहर है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या मेथड है कि जो भी स्केलर होगा वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो करें मल्टीप्लाई, 15 5 -5 10, ओके। और प्लस सिमिलरली यहाँ पे 7 जो है वो स्केलर है और मैट्रिक्स के बाहर है, मल्टीप्लाई करें 7 0 0 7। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया है, अब हम इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो करें जी, क्या आ गया, 8 -15 +7, क्या कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, मतलब अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर रहा हूँ, माइनस है तो माइनस कर रहा हूँ। सेकेंड एलिमेंट है 5, यहाँ पे -5 + 0, सेकेंड रो में देखें, -5 + 5 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। फोर्थ है जी 3,
माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पे मेरे मुँह से निकल रहा है, हमने मैट्रिक्स क्लोज कर दी है। तो देखिए 8 और 7 15, 15 15 0 0 0 0, और हम इसे लिख सकते हैं जी 0 मोटा करके, डार्क कर देना आपने। डार्क करने का मतलब है कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है, और यही हमने प्रूव करना था कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इस जैसा एक और क्वेश्चन है, उसमें ए क्यूब है, तो वो भी कोई डाउट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद ए क्यूब फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर आपने ए क्यूब फाइंड करना है ए की पावर क्यूब, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, फिर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है वैसे इसका। हाँ, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है बेटा, और हमने प्रूव कर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, आई प्लस ए होल पावर क्यूब माइनस 7 ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हमें क्या गिवन है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हमें गिवन है, और हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं आई प्लस ए होल पावर क्यूब माइनस 7 ए, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो ये आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है ए प्लस बी की पावर 3, क्या आपको आता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आपको याद होगा हमने ये फार्मूला प्रीवियस क्लास 7th 8th में पढ़ा था अलजेब्रा में। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो आई यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे जो है वो स्मॉल ए है, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर, दैट इज आई स्क्वेयर इंटू ए प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वेयर। सिंपली मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, और साथ में है -7 ए। ठीक है, ओके। तो आई क्यूब का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आई ही आएगा। ओके, नेक्स्ट ए क्यूब। अब ए क्यूब को क्या मैं ए स्क्वेयर इंटू ए लिख सकता हूँ जी, किसी को डाउट है, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आई स्क्वायर है, ये फिर आई बन जाएगा, क्या मैं ऐसे 3 ए लिख दूँ, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही मैट्रिक्स आएगी। आगे प्लस यहाँ पे 3 आई यहाँ से चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 7 ए। ओके, हाँ यहाँ पे बच गया आई। आप देखें ए स्क्वेयर आपको गिवन है जी, किसके इक्वल, ए के, यहाँ आ गया ए इंटू ए, आगे प्लस 3 ए प्लस यहाँ पे फिर ए स्क्वेयर को आप ए लिख सकते हो माइनस 7 ए। नेक्स्ट आई प्लस ए स्क्वेयर प्लस 3 और 3 6, 6 में से 7 चल गया तो माइनस ए, आप नहीं लिखना तो आप प्लस ही कर लो अभी, रहने देते हैं, ऐसे कर लेते हैं जैसे आप चाहें। आगे बन गया आई। नेक्स्ट देखें ए स्क्वेयर को का ए लिख सकते हैं, ये आपको गिवन है, फिर प्लस 6 ए माइनस 7 ए। अब ध्यान दे जी, 1 और 6 7 ए प्लस के माइनस 7 ए 0 आ गया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, आई। तो आपके पास क्या ऑप्शन आया जी, सी, क्या आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन में, आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आया है।